भारत और खासकर बिहार में दिव्यांगों की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी दशा सुधारने को लेकर सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संगठन प्रयासरत हैं। इसी के तहत बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी के तत्वावधान में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट किया जाए, इस पर चर्चा हुई। दिव्यांगों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस शिविर में आए दिव्यांगों ने कहा कि उन्हें केवल पेंशन नहीं बल्कि नौकरी मिलनी चाहिए। वे पढ़ लिख कर भटक रहे हैं। समस्या है कि जो पढ़े लिखे हुए दिव्यांग सर, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो पढ़े लिखे हुए दिव्यांग, उनको नौकरी मिलना चाहिए सर। पेंशन वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ठीक है देंगे, बट सब जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, उनको भी उस तरह का काम मिलना चाहिए कि वो अपने ऊपर जी। नहीं सर, हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और मैं 2 साल पहले मैं विकलांग हो गया हूँ, शुगर की वजह से मेरा पैर खराब हो गया था। 2 साल से गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं सुनती है, यहाँ तक कि जो भी कुछ मैंने एप्लीकेशन दिया अच्छा से तवज्जा नहीं दिया गया। हालांकि इस मामले में पटना सदर के वीडियो सूरज कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन समेत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर प्रखंड में कुल 8,957 निःशक्तता पेंशनर हैं, जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे यहाँ ब्लॉक से प्रखंड स्तर से निःशक्तता पेंशन योजना लागू है, और निःशक्तता पेंशन योजना में 8,957 दिव्यांगजन जो हैं, जो हमारे यहाँ से पेंशनर्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं, और उन्हें पेंशन की राशि दी जा रही है। इनका जो फंड आता है, जरूरत है इनकी समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले, केवल सिर्फ कागजी जो कोरम है वो पूरा नहीं करे बल्कि जमीनी हकीकत भी दिखाए, ताकि मीडिया के माध्यम से ऐसे जो दिव्यांग भाई हैं और जो इनकी जो समस्या है वो दूर हो सके। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।